और अब बात करते हैं हरियाणा की सियासत की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की कवायद के बीच आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दिया। सवाल है कि क्या ये दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की संभावना खत्म हो गई है या फिर ये आम आदमी पार्टी की प्रेशर टैक्टिक्स है। पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव को लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बहुत जल्द शाम तक आपको दूसरी लिस्ट देखने को मिलेगी। अब चुनाव में समय कितना बचा है, लगातार एक चीजें चली और अब 3 दिन नॉमिनेशन के बचे हैं, तो 3 दिन के अंदर अब सारे उम्मीदवारों को लाइनअप करना है, जो कि स्क्रूटनी हमारी चल रही है। उम्मीदवार हमारे एक अच्छी मजबूत सशक्त विकल्प आम आदमी पार्टी हरियाणा में देगी। हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन के बातचीत बनते बनते बिगड़ गई। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की खबरों के बीच ही आपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। आम आदमी ने जैसे ही अकेले ताल ठोकने की घोषणा की, विनेश की कांग्रेस में शामिल होने के बाद से लगातार बैकफुट पर नजर आ रही बीजेपी अचानक फ्रंट फुट पर खेलने लगी। कल तक जो बीजेपी आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस को कोस रही थी, अब आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी बताने लगी। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी को धोखा देने का आरोप लगाने लगे। आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की दलदल में है और दोनों की दो पार्टियां क्योंकि ना प्रदेश का भला कर सकती हैं, ना देश का भला कर सकती हैं, ना आम आदमी का भला कर सकती हैं। ये आम आदमी की पार्टी नहीं है, ये अकेले आदमी की पार्टी है। ये तो अकेले आदमी की है और भ्रष्टाचार के अंदर ये जेलों में पड़े हैं। जेलों के अंदर कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, यही हालात पड़े हैं। जेलों के अंदर कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, यही हालात कांग्रेस की है। अब उसकी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। अभी तो हमारा पहला फोकस ये है कि 10 साल से हरियाणा में जो बीजेपी का कुशासन चल रहा है, जिस तरीके से वहां किसानों के साथ अन्याय हुआ, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस कुशासन को कैसे हटाना है, ये हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमने 15 दिन में 45 रैलियां की हैं और सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, मैं स्वयं वहां पे और हमारे जो वहां के लीडर हैं, वो चाहे सुशील गुप्ता जी हो, बाकी लोग सब लोग मेहनत से काम करो और एक एक कार्यकर्ता हरियाणा का उसने बड़ी मेहनत की। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है हरियाणा में। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। हाँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले तो एक दूसरे से मिलकर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आज पता लगा है कि आम आदमी पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया है कांग्रेस को और उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर। उनका अंदरूनी मामला कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो ये चुनाव है वो हार चुकी है, उसने ऐसा महसूस किया है। वो बार बार आम आदमी पार्टी के पास जाकर के समझौता करने का प्रयास करते हैं, आम आदमी पार्टी ठुकरा देती है, कभी कहती है फिर लिस्ट जारी कर देंगे हम 20 कैंडिडेट। तो ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर जो आपसी फूट, आपसी निर्णय लेने की शक्ति ना होना, उसी का परिणाम है कि आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। अभी मैं ये समझता हूँ कि जो भी प्रक्रिया एक चल रही थी,